फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला और मलेरकोटला में साइंस और मैथ्स की कट ऑफ कितनी गई है? अभी दिखा देता हूँ आपको। देखिए साइंस मलेरकोटला में नहीं है, ये एक बात कट ऑफ ये रही। स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटियाला में लाइफ साइंस की है कट ऑफ, ये रही लाइफ साइंस की जनरल कैटेगरी की 95.5 है और एससी कैटेगरी की 92 है लाइफ साइंस की, और बीसी की है 90.5 और है जो 15% कोटा है ऑल इंडिया कोटा उसमें 80 गई है। तो ऐसे ही लाइफ फिजिकल साइंस की है जनरल कैटेगरी की 96, 78 एससी की, 86 ओबीसी की और 92 ऑल इंडिया कोटे की गई है मेरिट, ये देख लीजिए आप एक बार। और मतलब साइंस आप पूछ रहे हैं, साइंस यहाँ पर नहीं है। दूसरा आप मैथ्स पूछ रहे हैं, मैथ्स की है जनरल कैटेगरी की 98 गई है, ये रहा 98 और 94.5 गई है एससी कैटेगरी की, ओबीसी की 96.5 और जनरल की 15% कोटा ऑल इंडिया कोटा का है उसकी सबसे डाउन है 66%। तो ये आपका जवाब हो गया। क्वेश्चन है नवजोत कौर गिल सर, मैंने ओनली एमजीएन कॉलेज ऑफ जलंधर फिल किया था और साइंस मेजर सब्जेक्ट था, सीट अलॉटमेंट में मेरा इंस्टीट्यूट नेम नहीं आया, सब मुझे वही कॉलेज फिर मिल जाएगा सेकंड काउंसलिंग में? रजे ऐसा है, मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ, आप अपने मार्क्स उससे कंपेयर कर लीजिए आपने और क्या लिखा है। और सर मुझे फिर से मेजर सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे और फिर से कॉलेज चूज करना पड़ेगा जहाँ फिर पहले ही फर्स्ट काउंसलिंग में फिल किया था वही रहेगा? नहीं, दूसरे का उत्तर आपका है कि आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग और कॉलेज फिलिंग करनी पड़ेगी, वो प्रोसीजर दोबारा रिपीट होगा 20th से 23rd तक। और दूसरा आपकी जो कट ऑफ है एमजीएन कॉलेज की साइंस की देख सकते हो आप कहाँ गई है, आप अपने मार्क्स कंपेयर कर सकते हैं, ये है 85% कोटा में 75 गई है, ओके साइंस में एससी की है 56.5, बीसी की भी 56.5 ये रही यहाँ पर है सॉरी ये आप देख सकते हो, तो 84 गई है जो जनरल कैटेगरी की 15% का कोटा है उसमें से। तो ये है, अगर आपने लाइफ साइंस फिजिकल साइंस का देखना है, फिजिकल साइंस की 85 में गई है 66, ये रहा 66 और 15% में 88 गई है। लाइफ साइंस की भी देखनी है तो नीचे होगी लाइफ साइंस की, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, ये एमजीएन कॉलेज नहीं है। तो ये थे, आप इसके अनुसार अपना डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो पहला क्वेश्चन का आंसर दिता सी, मेरा क्वेश्चन सी कि मेरे बीए विच पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एड ते फाइन आर्ट्स है, एमए विद फाइन आर्ट्स है, तो फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला सैकेंड कॉम्बीनेशन लई जी सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन ली, हुण मेरा क्वेश्चन ये है कि हुण जां फाइन आर्ट्स नाल एसएसटी मिल जाए कि मैं टीजीटी लई एलिजिबल हूँ? देखिए सबसे पहले मेरे ख्याल में आपको फाइन आर्ट्स के साथ एसएसटी मिलेगा नहीं, अगर मिलता भी है तो आप एसएसटी के लिए टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज दूसरा सब्जेक्ट आपका पब्लिक एड और पॉलिटिकल, हाँ फाइन आर्ट्स ही बन रहा है, तो आप फाइन आर्ट्स अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है ले लेना चाहिए, क्योंकि फाइन आर्ट्स आपकी एमए है और पीजीटी के लिए आप तो एलिजिबल ही हो। तो ये देखना है कि आपको वो ये कॉलेज मिल रहा है कोई जिसमें ये कॉम्बिनेशन है ना। इसके अलावा फिर एक इन्फॉर्मेशन है कि टीईटी की कोचिंग शुरू करने जा रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने कोचिंग लेनी है तो काइंडली टीईटी लिख के मैसेज जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 63 मार्क्स है साइंस स्ट्रीम सेकंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगी सर, प्लीज आंसर पटियाला और मलेरकोटला का गवर्नमेंट कॉलेज में। देखिए मलेरकोटला की मेरे ख्याल में दूसरी कॉलेज की मैंने दिखा दी थी, मलेरकोटला कॉलेज की भी दिखा देता हूँ, ये मलेरकोटला की है
यहाँ पर अगर सब्जेक्ट देखना है साइंस ये रहा, और जनरल कैटेगरी की गई है 98.5 गई है, और एससी की है 93 और 94 है ओबीसी की, और जनरल जो है दूसरी एक्स सर्विसमैन है 81, जनरल 96, ये 15% कोटे वाली है, ये साइंस की है। मैथ्स का अगर आपने देखना है, जनरल की मैथ्स की गई है 92 और 87.5 गई है एससी कैटेगरी की, ओबीसी की 91 पर। तो ये आपकी मैथ्स की थी, इसके रिगार्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। मैंने पहले भी जो पटियाला स्टेट पटियाला कॉलेज थी उसकी दिखाई है, आप उससे कंपेयर करके अपना डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू अगेन। अगर कैंडिडेट्स लगे रहना चाहते हैं इस चैनल के साथ TET की और फर्स्ट सेम की तैयारी करना चाहते हैं तो TET लिख के मैसेज कीजिए। थैंक यू। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह।